सवाल इस बात को लेकर भी है कि पहले से अब तक चरण जो मतदान हुआ किसका पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। करेंगे दो टूक में चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सारे चरण मोदी में, विपक्ष में बैठे, केवल आज एक सवाल के साथ ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, साथ ही साथ कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और मोहम्मद आजम जी, जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शुरुआत मोहम्मद आजम जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। वो एग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा जो एग्रेशन विपक्ष में होना चाहिए। चार चरण, आज चौथा भी बीत गया। सवाल इस बात को लेकर है कि तीन चरण बाकी है और 41 सीट, और ऐसे में जो राजनीतिक जानकार है वो कह रहा है कि बीजेपी पूरे आक्रामक तरीके से ये लड़ाई लड़ रही है मोदी के नेतृत्व में, लेकिन विपक्ष वो एग्रेशन नहीं दिखा पा रहा है। राहुल जी, विपक्ष के में ही नहीं बल्कि जनता में अग्रेशन है। जनता इनकी नकारात्मक राजनीति को समझ चुकी है। जनता जो इन्होंने पिछले 10 सालों में झूठ बोला है और जो जुमलेबाजी की राजनीति करी है, आप बताइए, जब इन्होंने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या वो 2 करोड़ रोजगार भारत के युवाओं को मिले? नहीं मिले। क्या किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था? वो भी नहीं हुआ। और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते में आने की बात इन्होंने करी थी, जो बाद में गृह मंत्री ने ही कहा ये जुमला है। तो पूरी तरह से इन्होंने नकारात्मक और जुमलेबाजी की राजनीति करी। अब भारत की जनता, खास तौर से जो पीडीए है, 90% है, गरीब है, दलित है, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज है, वो ये मान चुका है कि भाजपा के राज में हमारा भला होने वाला नहीं है। ये 22 और 25 उद्योगपतियों की सरकार है, ये उन्हीं का भला करना चाहती है और हमारा भला इसमें नहीं होगा। इसलिए जनता खुद अपना अग्रेशन जनता में है, विपक्ष में से ज्यादा। तो जनता ठीक है, जनता में है, लेकिन वो विपक्ष में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप जनता के भरोसे हैं, कम से कम अपनी बात तो जनता के बीच रखेंगे, अभिमन्यु त्यागी जी। लेकिन लोकतंत्र ठीक है, अगर नाम ही जनता है, जनता गुस्से में है तो वाराणसी में भी ये दिखना चाहिए, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग ही सामने आई। राहुल जी, आपको और पैनल मुझे सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए राहुल जी, ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है, पहले चरण से ही देखने में आ गया। आज तो चौथे चरण की वोटिंग थी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन तब को जनता ने भगाया, दौड़ाया, और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों को कई जगह ऐसा भी हुआ कि जो उनके कार्यकर्ता थे उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ। हम इन सब चीजों की वैसे निंदा करते हैं, लेकिन चूंकि जनता नाराज है, जनता इनको सबक सिखा रही है। अगर आप धरातल पर जाएंगे अपने स्टूडियो से निकल के, तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। मोदी जी की जो चेहरे की हवाइयां हैं वो क्यों? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आपको ये जो आप मुझे सलाह दे रहे हैं वो सलाह राहुल गांधी और अखिलेश को दीजिए। आज 400 की बातें नहीं है, आज यूपी की 80 की 80 लोकसभा जो जीतने के दावे थे, आज उन दावों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये। अब ये चुनाव किन मुद्दों पर पहुंच गए हैं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कि पड़ोसी देश खुश होगा अगर यहाँ इंडिया अलायंस आएगी, तो यहाँ अब इन मुद्दों पर रह गया चुनाव, क्योंकि जो असल मुद्दा है उस पर ये बात ही नहीं कर सकते। जब इन्होंने काम किया नहीं कुछ भी, तो उन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ये लेकर आए, और अब जनता इनको दौड़ा रही है। सबसे ज्यादा नौजवान परेशान है, नौजवान पर्चा लीक से सबसे ज्यादा परेशान रहा, अग्निवीर से परेशान रहा, वही नौजवान सबसे ज्यादा इनको दौड़ा रहा है। हर गांव गांव में, हर शहर में, हर नगर पंचायत नगर पालिका में इनको दौड़ा। ठीक है, मैं मानता हूँ जनता जनता में गुस्सा है, तो ये वाराणसी की तस्वीर क्या कुछ कह रही है? झूठ अब नहीं चलने वाले। जो लोग उमड़े प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, अभिमन्यु जी आवाज आ रही है? जी, दोबारा पूछिए क्वेश्चन। माना कि जनता में गुस्सा है, तो फिर ये रोड शो में भीड़ किसकी है? देखिए राहुल जी, जो सत्ता में बैठे हुआ दल होता है, वहां ग्राम प्रधान से लेकर जो डीलर होता है, जो जिसपे गांव का कोटा होता है राशन का, उस तक को टारगेट दिया जाता है। अगर सचमुच में इनकी इतनी भीड़ होती तो मीडिया में ही, मोबाइल पे चलती है खबरें, चलती है कि
योगी जी ने धमकाए मंत्री, योगी जी ने जिलाध्यक्ष धमकाए कि भीड़ क्यों नहीं है, कई रैलियों में इस तरीके की न्यूज फ्लैश हुई है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले वहां भीड़ ही नदारद थी। उसका कारण क्या है कि जनता इनके साथ नहीं जुड़ रही है, कनेक्टिविटी नहीं है, और उसके कारण ठीक है जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही है तो जनता तो आपके साथ भी नहीं जुड़ रही है। महंगाई से प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी विपक्ष कहां चुनाव लड़ रहा है ये तो स्वीकार कर लिया अभिमन्यु जी ने, स्वीकार कर लिया जनता जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है, इंडी गठबंधन नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। और ये जो भीड़ है ये आप लोगों ने बुलाई है, खुद वहां के लोग नहीं है, आसपास के जिले के लोग नहीं है। देखिए कांग्रेस की तो स्थिति ऐसी है राहुल जी कि कांग्रेस से कोई चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता, दो जगह इनके उम्मीदवार छोड़ के भाग गए, गुजरात में दो जगह और ऐसा हुआ इन्होंने कैंडिडेट दिए घोषित किए उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पुरी से इन्होंने एक प्रत्याशी दिया उड़ीसा में, पुरी से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और काशी में चुनाव का दिन आते आते इनके कैंडिडेट वहां पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर संशय है। अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जिनको टिकट दी है वो लोग नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, मैदान छोड़ करके भाग सकते हैं, और मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी दे रही है, कांग्रेस पार्टी ही कह रही है, उनके नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, इनके जो है ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए, तो आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि भाई ओबीसी की जो आरक्षण है काट करके मुसलमानों को दे देंगे, आपने अपने घोषणा पत्र में प्राउडली 2009 और 2014 की घोषणा पत्र बोला है कि जिस प्रकार हमने केरला और कर्नाटक और आंध्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है धर्म के आधार पर उसी प्रकार हम देंगे, आपने कर्नाटका में जो 4% आरक्षण ओबीसी पे काट करके मुसलमानों को दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड दे दिया है, हमने जो हमारी सरकार थी पिछली बार हमारे बोमई साहब मुख्यमंत्री थे हमने काट करके जो मुसलमानों का आरक्षण हटा दिया था, हमने जो ओबीसी वर्ग में उनमें बांट दिया था 2-2% करके, तो आप लोग धर्म की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, हम अगर उसको चीजें बोलते हैं उसको पब्लिक के सामने हम बताते हैं तो आपको उसमें पीड़ा हो रही है। कांग्रेस पार्टी बताया कि इनके अभी राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, कर्नाटका में सरकार है, अभी हिमाचल में सरकार है, वहां पर इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, वहां पे राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए, इनके डोटासरा साहब के रिश्तेदारों को 90% वहां तक अंक दिए गए, सारे जो भर्तियां थी इनमें कांग्रेस के रिश्तेदारों को उन्होंने अपने उसमें भर्ती करने काम कर दिया, हमने तो आयोग बनाया, हमने उनका कहना है कि हमारा मुद्दा यूपी में आकर बदल जाता है, और किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ, अभी कर्नाटक हमने देखा सरेआम कॉलेज में लड़की की हत्या कर दी गई, कांग्रेस पार्षद की बेटी थी उनके लिए ये लोग नहीं लड़ने गए, हम लोग लड़ने गए, अभी एक यादव परिवार की बच्ची की नृशंस हत्या कर दी मुसलमान ने, कोई मुलायम सिंह यादव कोई यादव इतनी तक नहीं गया। अच्छा एक चीज आजम मोहम्मद आजम जी, जब अखिलेश निकलते हैं रूट पे तो क्या ऐसी भीड़ नजर आती है क्या? क्यों राहुल जी, अभी आपने अखिलेश जी का रोड शो देखा कन्नौज में, जो रोड शो था शायद आपने आपकी मीडिया कवरेज में आपको दिखा होगा, क्या आपको भीड़ कम लगी क्या वहाँ? अभी कन्नौज में जब संयुक्त रैली थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, क्या भीड़ कम थी क्या वहाँ? कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भीड़ कम रही हो, बल्कि जो भीड़ हमारी भीड़ यकीन मानिए आप बुलाई हुई भीड़ नहीं होती, हम स्पॉन्सर्ड भीड़ के नहीं मानते हैं, हम लोग जो अपने मन से कार्यकर्ता हमारा आता है, जनता अपने मन से आती है, हम उसे बुलाते नहीं है कि आप आइए हमारी, बस उसे सूचना देते नहीं, तो वाराणसी में क्या बुलाई गई भीड़ है, आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं? बिल्कुल स्पॉन्सर्ड भीड़ है ये, इसमें कोई दो नहीं, वहां तो कई आज हमारे सहयोगियों ने बातचीत की जो घूमने आए थे वो रुक गए एक दिन के लिए, तस्वीरें दिखा देते हैं जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद पीएम मोदी, मोहम्मद आजम जी एक मिनट तस्वीर तो दिखाने दीजिए दर्शकों को, जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं पीएम मोदी, सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं, तस्वीरें अक्सर ऐसी निकल कर सामने आती है, तो ये तस्वीर देखिए अपने आप में खास बात, देखिए आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ उन सारी सीटों पर गए हैं जहां जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही, देखिए अगर आपको एक तरफा ही बात करनी है एक तरफा ही देखना मैंने, है, मैंने बस तो पूछा आप कहां भाजपा की देखिए आप मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, मैंने पूछा वाराणसी गए हाल फिलहाल में कभी, बस इतना ही तो सवाल किया मैंने, आपका टॉपिक ही ये है, आपका टॉपिक ही आज का ये बन गया है कि वो सिर्फ मोदी जी जीत रहे हैं मोदी जी के लिए और बाकी विपक्ष में हताशा है वहां कुछ भी नहीं है, जबकि सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस सत्ता से जा रही है, सारे आंकड़े बता रहे हैं, आज जनता बता रही है किसान एमएसपी से परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, गृहिणी महंगाई से परेशान है, आपकी तो कैबिनेट भी तैयार हो गई होगी, छोटा व्यापारी दुकानदार गलत तरह से लगाए गए जीएसटी से परेशान है, हर कोई परेशान है और जनता इनको सबक सिखाना चाहती है, और देखिए अभी आप कह रहे थे कि जनता
कि विपक्ष नहीं जनता परेशान है, जनता लड़ रही है, तो जो जनता तो ही वोट देगी ना। मैंने कब कहा ये तो आपने कहा? मोदी जी के वोट से अकेले से परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, जनता ही वोट दे रही है। और बनारस तक में अब की बार बेचैनी है, और ये बात सब जानते हैं। जिस जिस तरह से आगे को पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण वोटिंग, आज चौथे चरण में वोटिंग हो गई, हवाइयां उड़ी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। प्रशांत उमराव जी, सारे जो उनके सर्वे थे प्रशांत उमराव जी, राहुल जी, प्रशांत उमराव जी, इसीलिए पीएम मोदी बाबा के दर पर गए हैं। और हमें लग रहा है कि अब जिस तरीके से अभिमन्यु जी बात कर रहे हैं, गठबंधन पूरा अपना कैबिनेट मतलब तैयार कर लिया है कि ये फला होंगे, ये फला, ये विदेश मंत्री, ये गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का पद इनको, कानून ये देखेंगे, मतलब सारा सारे पोर्टफोलियो तैयार है इनके। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोग लगातार राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाते रहे। राम मंदिर बन गया, उसमें जब उद्घाटन के लिए बुलाया गया, तब इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल लेटर निकाल के कह दी कि हम नहीं जाएंगे। अखिलेश जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे। आज 5 महीने हो गए राम मंदिर को उद्घाटन करते हुए, वहां तक नहीं गए। प्रियंका वाड्रा जी जब सवाल पूछा जाता है कि आप राम मंदिर कब जाएंगे, तो वो कह देते हैं आप भाजपा के एजेंट हो, पत्रकारों पर सवाल उठा देते हैं। ये लोग क्यों नहीं काशी विश्वनाथ जाते हैं, क्यों नहीं अयोध्या में राम जी के दर्शन करने जाते हैं? वैसे जब चुनाव आएगा तो अपना जनेऊ निकाल के कहने लगेंगे हम राम जो हम जनेऊधारी हिंदू हैं। वहां जब राम मंदिर बन गया तो उसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जाते? कम से कम अपने पुराने पाप तो धुल लीजिए। हम लोग तो जो है चुनाव के पहले जैसे रहते हैं, चुनाव के बाद भी रहते हैं। जब चुनाव नहीं रहता तब भी मोदी जी मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ मोदी जी तो काशी 25 बार वहां पे गए दर्शन करने। जब जब काशी आते हैं तब वहां पे दर्शन करने जाते हैं, अयोध्या भी तो अभी उसके बाद जा चुके। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं जाता है? और इनके नेता प्रमोद कृष्ण प्रियंका गांधी की जो करीब है, वो तो कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी गलती से प्रधानमंत्री बन गए तो उनका तो इरादा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट देंगे। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राजीव गांधी ने पलट दिया था साहबानो मामले में, वो कांग्रेस की रणनीति है कि ये राम मंदिर का निर्णय पलट देंगे और वहां पर राम मंदिर को ये तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इनके नेता नाना पटोले कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी वहां दर्शन करने चली गई, गर्भगृह में चली गई, तो कांग्रेस पार्टी इतना देखिए आदिवासी विरोधी है, इनको पीड़ा हो गई कैसे ओबीसी आदिवासी समाज के लोग वहां पे गर्भगृह में चले जा रहे हैं कि नाना पटोले कह रहे हैं कि मंदिर का शुद्धिकरण कर लेंगे। ये इनकी असली मानसिकता, समंतवादी मानसिकता है कि लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे कैसे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो है राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, वहां पर शिलान्यास कर रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम जो है महिला है राष्ट्रपति है जो वहां पर गर्भगृह में जाती, उनको ही लोग अपमानित करने काम करते हैं। जनता ये सब चीज देख रही है, जनता इनको जवाब देने काम करेगी। अभिमन्यु त्यागी जी, किया धारा तो आपकी पार्टी का है, आप लोगों का है, अब उस पर सवाल भी किया जाता है तो ये बातें नागवार गुजरती हैं। बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मंदिर के मुद्दे पर, मस्जिद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर होकर बात करती है, लेकिन उमराव जी इस डिबेट में बैठे हुए, इनको लगभग 20 मिनट होने वाले, इन्होंने एक भी अपनी सरकार का काम नहीं गिनाया, एक भी ऐसा वादा नहीं गिनाया जिसको इन्होंने पूरा किया हो। इनकी सरकार का जो मैनिफेस्टो रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें राम मंदिर भी था, वो इन्होंने नहीं गिनाया कि हम लोगों ने कुछ काम किया भी है या नहीं। लेकिन अनर्गल बयान देने का काम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो ये लोग बखूबी निभा रहे हैं। और मंदिर की ये जहां तक बात करते हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। और इसमें भारतीय जनता पार्टी कितना ही झूठ बोले, वो झूठ क्योंकि खुद भगवान जी है, भगवान जी सब देख रहे हैं, और तो भगवान जी इनके अहंकार को भी तोड़ेंगे, आज नहीं तो कल वो अहंकार भी टूटना है। लेकिन जो सीबीआई ईडी समेत इनकम टैक्स लालच छल कपट प्रपंच के सारे अपनी सरकार बना रही है और अलग अलग राज्यों में विधायकों को तोड़ती है, आज वो किस तरीके से चरित्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, आज किस तरीके से वो बात करती है कि कांग्रेस वो इन अपने नेताओं की बातें करती है कि कैसे कि मंदिर का मोहम्मद आजम जी देखिए, मैनपुरी का चुनाव संपन्न हो गया, कन्नौज का चुनाव संपन्न हो गया, आप किधर अखिलेश यादव निकलेंगे, रायबरेली जिताने जाएंगे या कोई सीट बाकी है आप लोग जहां जोर मारेंगे? अभी राहुल जी अभी बहुत सारी सीटें बाकी है, इंडिया अलायंस सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, जौनपुर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बहराइच आज हो गया है। तो बहुत अयोध्या में हमारे प्रत्याशी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है। अवधेश प्रसाद जी, हम ये कहते हैं हम दलितों का ख्याल नहीं रखते, जनरल सीट है जिसपे हमारा दलित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि आखिर आप नहीं, आरोप है यादवों का ख्याल नहीं रखते, नहीं इनका आरोप है दलितों का ख्याल नहीं, यादवों का तो ये ख्याल, ये कौन सा ख्याल रख लिया यही बता दे, ये कौन सा ख्याल रख लिया। दूसरी बात, अभी ये आदिवासी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे, उन्हें जब संसद
भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, न राम मंदिर उद्घाटन में बुलाया गया, तब क्या उनका सम्मान किया गया? ऐसा तो नहीं है। दोनों उद्घाटनों में माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और आरोप लगाना, अच्छा उद्घाटन के दिन ना अमित शाह जी आते हैं, ना राजनाथ जी आते हैं, ना जेपी नड्डा जी आते हैं, उनसे तो ये सवाल नहीं पूछते, क्या वो लोग राम विरोधी हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो लोग राम विरोधी हैं। अभी इन्होंने कर्नाटक के आरक्षण की चर्चा की, कर्नाटक का आरक्षण जो 4% है वो इनके ही साथी एच डी देवगौड़ा ने 1996 में दिया था, इनके ही साथी है। अरे हमने तो हटा दिया, किसके साथ थे वो, अकेले थे या किसी के साथ थे? आप पूरी बात 95 में तो हटा दिया था। मोहम्मद आजम जी, देखिए ये दर्शकों को क्लियर होना चाहिए, आपने दोबारा दे दिया, दर्शकों को क्लियर होना चाहिए कि 95 में किसके साथ थे। 95-96 में दिया था, अच्छा आप बताइए नहीं, उस वक्त क्या मतलब कहीं साथ थे किसी, या राज्य में या केंद्र में किसी के साथ थे? इंडिपेंडेंट सरकार थी तो कर्नाटका में, इनकी खुद की सरकार थी जेडीएस की। और सुनिए, 2006 में बीजेपी और जेडीएस की सरकार रहती है, 2008 में बहुमत की जेडीएस की सरकार आती है, 2019 में बहुमत की। अरे हमने तो भी हटा दिया था भैया, गोमई सरकार ने तो आरक्षण हटा दिया था, धर्म ये दोबारा लेकर के आए हैं, अपने जो आरक्षण हटा दिया धर्म के आधार पर, तो आप लोग दोबारा क्यों लेकर के आए हैं? जब हमने सरकार गोमई साहब ने हटा दिया था 15 दिन पहले, तो आप दोबारा लेकर क्यों आए हैं? उसके गुजरात के विरोध में है, संविधान विरोधी आरक्षण है, संविधान में कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, धर्म ये क्यों धर्म के आधार पर लेकर के आए? जातियों को संविधान में कहां पे लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण है? बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी है, बाबा साहब सदैव धर्म के आधार पर क्यों लेकर आए इस मुद्दे को? आप लोग बहुजन विरोधी हैं, आपने बहुजनों के नाम पे जो जिलों के नाम रखे गए थे उनको बदलने का काम किया, बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज चलाया, बदलने का काम किया, बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पे पार्क और मेडिकल जो ये था स्टेडियम था उसको आपने बदलने का काम किया, समाजवादी पार्टी के सदैव बाबा साहब के नाम पे बदलने का काम किया, जनता विरोधी है, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया, जनता को लूटते हो सरकार ने, धर्म के आधार पर सरकार के संस्थान द्वारा लेकर के आए, सारा पोर्ट लगा रखी है, रेलवे सब चीज की रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, हवाई अड्डे सब चीज, चंद पूंजीपतियों के हाथ में 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को माफ कर दिए, और देश के हिंदुओं को कर्जा माफ नहीं करते आप लोग? आप लोग असली हिंदू विरोधी हो अमराव जी, कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ोगे? जनता आपको सबक सिखाने जा रही है, 16 लाख करोड़ प्रोविजन नहीं संविधान, और इस देश की जो जनता है 135 करोड़ जो जनता है उसमें 80 करोड़ हिंदू भी है, कर्जा माफ किया आपने कभी? उन्हीं का आरक्षण हिंदू विरोधी, देश के बहुसंख्यक का 1 रुपया कर्जा माफ किया आप लोगों ने? नहीं किया ना, 35% पर अंबानी अडानी के अलावा किया क्या? घट जाते हैं इनकी सरकार में। अरे अडानी तो माल ले लिया, देवेंद्र चौधरी ने चले हो, देवेंद्र चौधरी का काम माल ले लिया, पैसा मिल गया, इसलिए हमने देश का घट गया है, आंदोलन में लाठी खाई है कि हमें अडानी से पैसा मिल गया है, यात्रा की है, इसलिए हमने अडानी की विरोध बोलना बंद कर दिया है, अब मन्नी त्यागी जी को माल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, दारों के आप सही हो, जब सरकार मिल गया अडानी से, जब सत्ता में आते हैं कैमरे में बोला कि मैं अडानी को साथ में रखकर देश का, इसलिए हमने अडानी को गाड़ी देना बंद कर दिया है, देश का माल लूटते हो, अधीर रंजन चौधरी को अडानी से पैसा मिल गया है, अधीर रंजन चौधरी ने अडानी के विरोध में बोलना बंद कर दिया है, राहुल गांधी ने भी अडानी के विरोध में बोलना बंद कर दिया है, जनता सबक सिखाने जा रही है, जनता तो सबक सिखाएगी, पैसा दे दिया कांग्रेस पार्टी, जनता सबक सिखाएगी, किसे सिखाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभिमन्यु त्यागी जी आप लोग अपनी लड़ाई तो लड़िए, रोजगार हर साल देंगे, कहा है भी विपक्ष अपनी लड़ाई तो लड़े पहले, राहुल जी सब जनता ही लड़ेगी क्या? राहुल जी आपके बोलने से विपक्ष, राहुल जी विपक्ष ये भाजपा की बहुत बड़ी नाकामी है, ना मुद्दे से अगर अडानी आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है, ये भाजपा की बहुत बड़ी नाकामी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में काला था, नोटबंदी क्या हुआ, उसकी जीएसटी क्या हुआ, उसकी एसआईटी कहां गई, सारी चीजें, उसका 10 साल का शासन, इसका मतलब ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, कि जनता लड़ रही है, विपक्षी दल लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, ये 4 जून को सब कुछ साफ हो पाएगा। अभिमन्यु त्यागी जी उम्मीद करते हैं कि उस दिन आप बैठेंगे जरूर, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, यानी कि वोटिंग
और ऐसे में जिस तरीके से पीएम मोदी का रोड शो काफी भीड़ देखी गई, वहीं दूसरी ओर यही कहा जा रहा है कि जो टेम्परामेंट होना चाहिए विपक्षी दलों का वो दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी ओर पीएम मोदी लगातार अपनी पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आकलन जनता जरूर करे कि वाकई किसमें दम है।